मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी में पेस्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट विषय पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम ग्रेन्स और पल्सेज से संबंधित पेस्ट और उनके प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करना और उनको सुरक्षित भंडारण का ये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर कंजप्शन के लिए। जो नेक्स्ट क्रॉप हमें लेनी है उसके लिए सीड्स हमें बेटर क्वालिटी के चाहिए होते हैं। तो जो हमें स्टोरेज इनका करना होता है वो इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि लगातार इंसेक्ट्स का, दूसरे पेस्ट्स का और फंजाई का जो अटैक उस पर होता है, उसके कारण उनकी क्वालिटी में, उनकी क्वांटिटी में काफ़ी नुकसान होता है। और ये जो नुकसान उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी में होते हैं, उसके कारण जो आर्थिक नुकसान होता है वो लगभग 100 करोड़ का प्रतिवर्ष हमें झेलना पड़ता है। ग्रेन्स और जो दूसरे स्टोर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पल्सेस हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनमें मेन जो अटैक होता है इंसेक्ट्स का वो है बीटल्स और मोथ्स। बीटल्स और मोथ में बीटल्स कहीं ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि इनके लाइफ के दो स्टेजेज, जैसे इनका लार्वा जिसे हम ग्रब बोलते हैं और एडल्ट्स, दोनों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। जबकि मोथ अगर हम देखें तो उनके सिर्फ लार्वा, जिन्हें हम कैटरपिलर्स कहते हैं, उन्हीं के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो पेस्ट क्योंकि कई तरह के हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें बर्ड्स हैं, रोडेंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ जो मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं वो इंसेक्ट्स को कर रहे हैं, जिसमें बीटल्स और मोथ जो होते हैं वो विशेष होते हैं, या कहें कि मुख्य हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स का, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स में हम देख रहे हैं कि उसमें मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी तरह बायोटिक फैक्टर में हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और माइट्स हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, वो अलग अलग तरह से जब हम भंडारण करते हैं ग्रेन्स का, उनको स्टोर करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। मॉइस्चर की अगर हम बात करें, तो अगर लगभग जो इसकी 12% या कहें 12% मॉइस्चर अगर होता है, या हम यूं कहें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर देखें, तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% के आसपास होती है तो इंसेक्ट का अटैक काफ़ी होता है। और 12% से कम मॉइस्चर अगर हो, या कहें कि अनाज को काफ़ी सूखा होना चाहिए, अगर ड्राई रहता है ग्रेन, तो उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक कम होता है। इसी तरह से अगर 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, या यूं कहें कि लगभग 14% से ज़्यादा मॉइस्चर अगर रहता है, तो उसके ऊपर काफ़ी फंगल अटैक भी होता है। तो फंगल अटैक के कारण भी जो स्टोर्ड ग्रेन है उसे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉइस्चर लेवल जो है वो 10% से ज़्यादा घातक होता है किसी भी ग्रेन के लिए। और जितना ज़्यादा ड्राई होता है ग्रेन, उतना ज़्यादा जो पेस्ट अटैक है उससे उसका बचाव होता है, उससे वो सुरक्षित रहता है। जो फंगस है उसके अटैक से वो सुरक्षित रहे, फंगस से भी इन्फेक्टेड नहीं होता। फिर अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब तापमान ज़्यादा होगा तो नमी कम हो जाती है,
और ग्रेन्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो पेस्ट है उनका और जो फंगस है उनका अटैक कम होता है, वो सुरक्षित रहते हैं उससे। इसके अलावा अगर हम देखें टेम्परेचर की, तो 66 डिग्री अगर टेम्परेचर रहता है तो जो सीड है उसकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, इसके अलावा उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो क्वालिटी है ग्रेन की उसको मेंटेन रखने के लिए भी टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम लगातार मेंटेन रखते हैं तो जो इंसेक्ट का सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है, उसका रिप्रोडक्शन और उसका जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है। और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर लंबे समय तक रखा जाए तो उसके कारण जो इंसेक्ट है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। ऑक्सीजन जो थर्ड फैक्टर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो लाइव ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित जो जीव होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत होती है, खास ऑक्सीजन का स्तर उनको चाहिए होता है। और अगर उस ऑक्सीजन लेवल से कम अगर ऑक्सीजन उनको मिलती है तो उनका सर्वाइवल रेट भी कम होता है और उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, रिप्रोडक्शन और जितने भी उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो डेवलपमेंट प्रोसेस सब कम हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो इंसेक्ट है उसका पॉपुलेशन यहाँ कंट्रोल होता है, चेक होता है। जिस प्रकार से एक निश्चित ऑक्सीजन लेवल चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, यहाँ उसमें कीट भी आ जाते हैं, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर स्तर ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण भी जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है। और अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो अलग अलग तरह की उनकी सहन करने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन लेवल को भी और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को भी। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइट्स की जब हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बढ़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, या कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और माइट्स की ग्रोथ ग्रेन्स के ऊपर बढ़ जाती है और उसके कारण उनकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है और उनकी जो न्यूट्रिशनल जो कंटेंट्स हैं वो भी डिक्रीज होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि स्टोरेज लॉसेस कितने तरह से होते हैं, जब हम स्टोर करते हैं तो कितनी तरह से उसमें ग्रेन में लॉसेस होते हैं। लॉसेस अक्कर एट डिफरेंट स्टेजेज इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू कंज्यूमर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव लॉसेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नमी के कारण, जब नमी की कमी होती है और ग्रेन ड्राई हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इसके अलावा जो रोडेंट्स हैं और दूसरे पेस्ट्स हैं उनके कारण जो नुकसान होते हैं उसके कारण क्वांटिटी कम होती है। और जो मिसहैंडलिंग होती है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन जब होता है ग्रेन का, उसके कारण भी क्वांटिटी में कमी होती है। जब हम क्वालिटेटिव लॉसेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इन्फेक्शन है उसके कारण, और माइट्स का इन्फेक्शन है उसके कारण, और जो इंसेक्ट के इन्फेक्शन में हम देखते हैं जब इंसेक्ट अटैक होता है ग्रेन्स के ऊपर तो उनके बॉडी पार्ट्स और उनके जो डेड बॉडीज़ हैं उनके कारण, उनके एक्सक्रीटा के कारण, यूरिन का जो वहाँ पर वो हो जाता है डिपोजिशन उसके ऊपर ग्रेन के ऊपर, उन सब के कारण भी उसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है और डीकलरेशन हो जाता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ग्रेन का वो कम हो जाता है। तो ये सारे तरह के लॉसेस हैं वो देखे जाते हैं स्टोर्ड ग्रेन्स में, जो उनके जो अलग अलग तरह के पेस्ट हैं जिसमें हम रोडेंट्स और इंसेक्ट्स और जो बर्ड्स हैं वो और उन फंगल इन्फेक्शन है उन सबको काउंट करते हैं।
फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द डिटेरियोरेशन ऑफ प्रोड्यूस। जो उत्पादों में हानि होती है उसमें कौन कौन से कारक इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो एक फैक्टर है, फिर डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स ऑन प्रोड्यूस, फीडिंग ऑन प्रोड्यूस बाय रोडेंट्स, और ह्यूमन मिसहैंडलिंग ऑफ प्रोड्यूस अफेक्टिंग क्वालिटी एंड कॉजिंग लॉस थ्रू स्पाइलेज, यूज ऑफ पुअर कंटेनर्स एंड स्टोर्स, एक्सपोजर ऑफ प्रोड्यूस टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, देन लॉसेज ऑफ ग्रेन्स कैन बी मैनिफेस्टेड बाई वेट लॉस, फूड लॉस, क्वालिटी लॉस, मॉनेटरी लॉस, लॉस ऑफ गुडविल और रेपुटेशन एंड सीड लॉस। वेट लॉस जब नमी कम हो जाती है, ड्राई हो जाता है अनाज, तब वेट लॉस होता है। फूड लॉस जब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है तब हम उसे कहते हैं फूड लॉस। क्वालिटी लॉस होती है जब इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्टेड हो जाता है ग्रेन, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन और जो स्टोरेज मतलब डिपोजिशन हो जाता है एक्सक्रीटा और इनका, तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती है। और जब इस तरह का अनाज हम सेल करने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर उसका प्रॉपर हमें जो कॉस्ट नहीं मिलती, और जब अच्छा अनाज हम मंडी में नहीं लेके जाते, बार बार हम इस तरह का इन्फेक्टेड जब ग्रेन लेकर जाते हैं, तो फिर जो हमारी गुडविल होती है और जो हमारी रेपुटेशन होती है वो प्रभावित होती है। और इन सारी चीज़ों के कारण जो सीड है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है ग्रेन के ऊपर उसमें सीड कोट और जो उसका कलर है वो भी प्रभावित होते हैं, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट हमें लेनी है क्रॉप उसके लिए अच्छा बीज भी हमें नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी का सीड अवेलेबल नहीं होता। द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ग्रेन एंड सीड फीडर्स, सेकेंडरी ग्रेन एंड सीड फीडर्स एंड डेटराइटस एंड मोल्ड फीडर्स। प्राइमरी ग्रेन एंड सीड फीडर्स, दीज अटैक होल एंड अनडैमेज्ड ग्रेन। लार्वा ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर कन्फाइंड विद इन वन सीड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ये भेदने में सक्षम होता है, जो पूरा अनाज है या कहें कि होल ग्रेन है उसे भेदने की क्षमता इस तरह के लार्वा में होती है। इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं वीवल्स और पल्स बीटल्स को। जो सेकेंडरी ग्रेन्स हैं वो ऐसे अनाज को अटैक करते हैं जो पहले से किसी दूसरे पेस्ट के द्वारा अटैक या क्षतिग्रस्त होता है। दीज कैन नॉट अटैक होल ग्रेन्स एंड फीड मेनली ऑन ब्रोकन ऑन और ऑलरेडी डैमेज्ड ग्रेन्स। इसमें हम देखते हैं रेड फ्लोर बीटल्स को। फिर हम देखते हैं डिट्राइटस एंड मोल्ड फीडर्स। ये इस तरह के पेस्ट हैं जो विशेष रूप से तब इनका अटैक होता है जब ग्रेन के ऊपर मोल्ड का ग्रोथ हो चुका होता है, और इनको अपनी डाइट को कंप्लीट करने के लिए जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए मोल्ड की ज़रूरत होती है। इसलिए ये संक्रमण तभी होता है जब ग्रेन मोल्ड के द्वारा संक्रमित होता है पहले से, तो फिर वहाँ पर जो पेस्ट है उनका अटैक होता है। पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स, इसमें मेजर पेस्ट हैं, माइनर पेस्ट हैं और कुछ पल्सेस के पेस्ट हैं। मेजर पेस्ट में हम देखते हैं प्लोडिया इंटरपंक्चुला, जो इंडियन मील मोथ है और लेपिडोप्टेरा का है। सेकंड ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये खापरा बीटल है और ये कॉलियोप्टेरा का है, डेमेस्टिडी फैमिली है इसकी। साइटोफिलस ग्रेनेरियस, जो ग्रेन वीवल है ये भी कॉलियोप्टेरा का है और कुरकुलियोनिडी का है ये।
ट्राइबोलियम कास्टोनियम, ये रस्ट रेड फ्लोर बीटल है, कॉलियोप्टेरा का है और टेनेब्रियोनिडी का है। ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम फ्लोर बीटल है, ये कॉलियोप्टेरा का है और टेनेब्रियोनिडी फैमिली है। राइजोपर्था डोमिनिका लेजर ग्रेन बोरर है, कॉलियोप्टेरा का है और बोट्राइजिडी का है। इसके अलावा जो माइनर पेस्ट में है, टेनेब्रियो मॉलिटर मीलवॉर्म, ये भी कॉलियोप्टेरा का है और टेनेब्रियोनिडी का है। उसके अलावा कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस, जो ग्राम ढोरा जिसको जनरल भाषा में कहा जाता है, ये भी कॉलियोप्टेरा का है और ब्रुचिडी का है। ये स्ट्रोट ग्रेन जो है पल्सेज मुख्य रूप से उनका मेजर पेस्ट है। इसके अलावा पल्सेज में जो दूसरे पेस्ट हैं उसमें पहला तो कैलोसोब्रुकस चाइनेंसिस तो है ही, इसके अलावा कैलोसोब्रुकस एनालिस दूसरा पेस्ट है जो पल्सेज में मेन पेस्ट माना जाता है। अब हम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के बारे में और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। तो साइटोफिलस ग्रेनेरियस एंड साइटोफिलस ओराइजा, ग्रेन राइस वीवल है, कॉलियोप्टेरा का है और कुरकुलियोनिडी का है। फैमिली इसकी कुरकुलियोनिडी है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटिन होता है। अपीयरेंस अगर इसका देखा जाए, बोथ द पेस्ट आर ऑफ सेम साइज एंड कलर, दे आर स्मॉल 3 mm इन साइज रेडिश ब्राउन बीटल्स विद सिलेंड्रिकल बॉडी एंड ए लॉन्ग कर्व्ड रोस्ट्रम। द ग्रब्स 5 mm ऑफ साइज आर वाइट विद येलोइश ब्राउन हेड। यहाँ क्योंकि ये होलोमेटाबोलस इंसेक्ट है, जैसा हम यह लाइफ हिस्ट्री में देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर इसका लाइफ हिस्ट्री है। क्योंकि जब हम होलोमेटाबोलस इंसेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ लाइफ के 4 मेन स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं एग, फिर ग्रब या लार्वा इसका, प्यूपा और एडल्ट। जब हम बात करते हैं हेमी मेटाबोलस की, तो जैसा हम पूर्व में इनके लाइफ हिस्ट्री में देख भी चुके हैं कि यहाँ ट्राइंगुलर लाइफ हिस्ट्री होती है, जिसमें एग और निम्फ और एडल्ट होते हैं। तो ये हम देखते हैं हेमी मेटाबोलस में। तो रेक्टेंगुलर अगर है तो ये होलोमेटाबोलस है। साइटोफिलस ओराइजा और साइटोफिलस ग्रेनेरियस में एग का नंबर, जैसा पूर्व में हम लाइफ हिस्ट्री में एक्सप्लेन जब हमने किया था तो हमने देखा था, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी इसके लाइफ साइकिल का जो रेखांकन हमने किया है उसमें हम देख सकते हैं कि 300 से 400 एग लेज होते हैं, एग लेइंग इसके द्वारा की जाती है। और जो एग से ग्रब बनने का जो ड्यूरेशन है वो 4 से 5 दिन है, ग्रब से प्यूपेशन का टाइम 19 से 34 दिन है, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्जन का जो टाइम है, डेवलपमेंट का जो टाइम है वो 6 से 14 दिन है। और जो एडल्ट हैं ये ओवर विंटर यहाँ पर रहते हैं, OW यानी एडल्ट्स ओवर विंटर रहते हैं। यहाँ हम इनके लाइफ साइकिल को देख रहे हैं, ये एडल्ट है, ये एडल्ट है साइटोफिलस और राइजा। इनका लगभग एक जैसा जो शेप और साइज होता है। और ये एग है इसका, ये जो सीड है उसके अंदर ग्रेन के अंदर इसका लार्वा है, ये प्यूपा है और प्यूपा से एडल्ट। द एग आर लेड इन कैविटीज मेड ऑन द ग्रेन बाय द मैंडिबल्स ऑफ द बीटल्स। यंग लार्वा बोर इनटू द ग्रेन्स, ईट देयर कर्नेल्स
grow and pupate inside them. Adult overwinter in cracks and crevices of the godam. Host, while the rice weevils prefer rice, they can be found feeding together with Cytophilus granarius on rice, wheat, maize and other grains. जो डैमेज इनके द्वारा पहुंचाया जाता है, डैमेज इज डन बाय बोथ द ग्रब एंड एडल्ट्स बाय ब्रेकिंग एंड होलोइंग द ग्रेन्स, दे डिस्ट्रॉय मोर देन दे ईट. ट्राइबोलियम कास्टूनियम एंड ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम. रस्ट रेड फ्लोर बीटल, फ्लोर बीटल भी हम इसे बोलते हैं. कॉलियोप्टेरा फैमिली टेनियोब्रेनिडी. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपोलिटन. अपेयरेंस बोथ द पेस्ट आर रेडिश ब्राउन. बीटल्स आर फाउंड वीट फ्लोर विद मोर और लेस सिमिलर लाइफ साइकिल्स बट विद वेरिंग फिजिकल एट्रीब्यूट्स. डिफरेंसेस आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल. जो ट्राइबोलियम कास्टूनियम और ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, ट्राइबोलियम कास्टूनियम का साइज थोड़ा सा लार्ज होता है कंपैरेटिवली कन्फ्यूजम के. एंटीने एनलार्ज होते हैं और ग्रेजुअली टिप की तरफ ये थिन होते जाते हैं. इसके अलावा जो कन्फ्यूजम है उसमें इक्वली पैरेलली एनलार्ज होते हैं एंटीना. कास्टूनियम में विंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं जबकि कन्फ्यूजम में विंग्स फंक्शनल होते हैं यानी वो उड़ सकते हैं. ट्राइबोलियम कास्टूनियम में एग्स का जो साइज है वो स्मॉल होता है, कंपेरेटिवली कन्फ्यूजम में लार्ज साइज के एग्स पाए जाते हैं. लाइफ साइकिल जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, एग्स का नंबर यहाँ पर 400 है. एक जो इसका रिप्रोडक्टिव एक्टिव पीरियड होता है उसके दौरान एक लाइफ साइकिल में इसके, और जो ग्रब हैं एग से ग्रब के एमर्ज होने का जो टाइम है वो 4 to 10 days है. ग्रब से प्यूपेशन में कन्वर्ट होने का टाइम 21 to 28 days. प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट होने का टाइम 5 to 10 days होता है. और इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन इसका माना जाता है. ये हम जैसा इसमें देख रहे हैं, ये एग है, ये लार्वा है इसका, ये प्यूपा है और ये एडल्ट है. The egg are laid amongst the grain or in the floor. Pupation occurs in the floor, the pupa being yellowish and hairy. Host जो इसका होता है उसमें है, ये wheat floor को prefer करता है and can be also found in wheat, cereal products, pulses, dry fruits. जो नुकसान इसके द्वारा पहुँचाया जाता है, the damage is done by both adults and grubs. बट लेस डैमेजिंग देन साइटोफिलस एंड राइजोपर्था इन हूज कंपनी इट मे बी फाउंड. एडल्ट्स आर इनकेपेबल ऑफ फीडिंग ऑन होल ग्रेन्स बट फीड ऑन डैमेज्ड वंस और पिक अप पीसेस ब्रोकन बाई द को एग्जिस्टिंग पेस्ट. जो हम देख रहे हैं साइटोफिलस और राइजोपर्था, डैमेज इज मोर सीरियस ड्यूरिंग द ह्यूमिड या कहें मानसून सीजन. Symptoms of attack, powdery grains and foul smell make floor or jo grain hai unfit for human consumption when the infestation is serious. Colossobrucus chinensis or Colossobrucus analis, jise hum gram dhora kehte hain, jo pulse ka major paste hai.
डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें ऑल ओवर इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड अपीयरेंस बोथ दीज स्पीसीज आर चॉकलेट कलर्ड एंड ओवल शेप्ड बीटल्स सी एनालिस एंड ए लिटिल स्मॉलर देन सी चाइनेंसिस लाइफ हिस्ट्री द फॉलोइंग लाइफ हिस्ट्री इज दैट ऑफ सी चाइनेंसिस विच इज रियली स्मॉलर सॉरी रियली सिमिलर टू दैट ऑफ सी एनालिस लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री अगर हम इसका देखें तो 100 eggs लेइंग की जाती है फीमेल के द्वारा इसके एक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड में. फिर ग्रब का इमरजेंस 4 से 6 दिन में, ग्रब से प्यूपा में कन्वर्जन 14 से 21 दिन, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्जन 4 से 28 दिन, और 7-8 दिन में इसका जो एडल्ट का मीटिंग और उसका एग लेइंग शुरू हो जाता है. मार्च से नवंबर के बीच में इसका एक्टिव पीरियड होता है. जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कोलोसोब्रुकस चाइनेंसिस का ये लाइफ साइकिल है, इसमें ये एग्स हैं, लार्वा है, प्यूपा है और ये एडल्ट है. द एग्स आर लेड सिंगली बट एज मैनी एज 8 eggs कुड बी ग्लूड टू ए सिंगल सीड. इन कॉन्ट्रास्ट कोलोसोब्रुकस एनालिस या सी एनालिस लेज ओनली 1 egg पर सीड. द लार्वा ऑन हेचिंग बोर इन टू द सीड लाई कर्ल्ड अप एंड ग्रो बाई ईटिंग द कंटेंट ऑफ द सीड. The adults escape by cutting round holes in the seed coat. Host all kind of pulses like gram, pea, pisum sativum, soya bean, glycine soza, or pigeon pea, or arhar, kazan, moong, or urad. जितने भी तरह के दाल होते हैं उन सब में इसके द्वारा अटैक किया जाता है. डैमेज द डैमेज इज कॉज्ड बाय द ग्रब्स अलोन हु कुड ईट अवे द एंटायर सीड कंटेंट लीविंग ओनली द शेल. अंदर से पूरा खत्म हो जाता है. बीटल्स स्टार्ट अटैकिंग द पॉड्स इन द फील्ड इट्सेल्फ फ्रॉम वेयर द इन्फेस्टेशन इज कैरीड टू गोदाम जहाँ एगलिंग कर दी जाती है एडल्ट्स के द्वारा. Symptoms of attack, holes cut by the escaping adults are easily seen. If the containers is poorly aerated, fungus and foul smell could also develop. Preventive measures जो हम इनके सुरक्षा के इंतज़ाम कर सकते हैं, इनका बचाव कैसे कर सकते हैं. नंबर एक, before storage, grain godams should be properly cleaned. All cracks, crevices and holes in floor, walls and ceilings of the store should be filled up with cement and thereafter whitewashed. Coal tar should be painted on wall up to the height of about 2 meters. Then dusting the walls, floors and ceilings of empty stores with 10% BSC dust और 2 kilogram 38 cubic पर मीटर स्पेस. स्प्रेइंग विद 0.5% मेलाथियन सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं 3 liter पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग. एम्प्टी गोदाम शुड बी फ्यूमिगेटेड विद इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्सचर EDCT जिसको हम प्रिपेयर करते हैं 8-12 kilogram पर लीटर क्यूबिक मीटर स्पेस. HCN गैस या साइनो गैस जिसको कहा जाता है 42 ग्राम पर 38 क्यूबिक मीटर स्पेस.
may also be used provided an expert supervision is available. 7 tablets 21 gram each of aluminium phosphide per 38 cubic meter should be kept in empty godowns. Old bags should preferably be discarded or disinfected either by dipping them in boiling water for about 30 minutes or by superheating at the time when the store is being superheated during summers. As far as possible, new gunny bags should be used, and if at all old bags are to be used, they should be treated with 1% malathion. Solution for 10 minutes thereafter, they should be properly dried before use, or they should be fumigated with 1 liter EDCT mixture per 10 bags. Bulk carts, trucks or other vehicles used for transportation of grains should also be thoroughly inspected before the grain is loaded on them. They should be cleaned and washed, preferably with phenyl solution. For storage, the grain should be brought directly from threshing floor to the clean store. The grain should be thoroughly dried so that it may not contain more than 8 to 10% moisture. Dump grain should never be used for storage as it encourages sooty mold and insect attack. During rains, the godown should be opened at little if possible so as not to let it in moisture. The periodical examination of the grain should be carried out on bright sunny days to make sure that the infestation has not set in. As soon as the rains are over, the grain should be taken out of the store, dried in sun, thoroughly cleaned and restored. Dunnage material must also be free from insect paste. Bhusa taken out from infested godams must not be used again to provide cover for the freshly stored grain bags. Before storage, the grain should be thoroughly dried and cleaned as far as possible. One type of grain product should be stored in one godam. If the grain is to be stored in bags in storage, a thick layer of bhusa should be spread over the floor and the bags should be kept at least 500 mm away from the walls. If the grain is already infested with insect pests, it should be treated with EDCT mixture 15 liter per 400 quintal before storage. Grain mixed with neem kernel in the ratio of 100:1 also keep insect away. Curative measures. In spite of preventive measures adopted above, if the attack of any storage insect is observed, the following fumigants in the quantity noted against each may be used. अगर हो ही गया है इन्फेक्शन तो फिर हम किस तरह से उसको रोकें? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड और फॉस्टॉक्सिन टैबलेट्स 1 टैबलेट पर मीट्रिक टन हम यूज कर सकते हैं. ईडीबी एम्पल 3 ml पर क्विंटल ग्रेन हम यूज कर सकते हैं. ईडीसीटी मिक्सचर 500 ml पर मीट्रिक टन ग्रेन अगर हम यूज करें तो वो भी क्योर करेगा. सेफ स्टोर हाउसेस, द यूज ऑफ पूसा बीन, हापुड़ बीन एंड पंतनगर कुठला शुड बी एनकरेज्ड for storing small quantity of grains. Insects के अलावा जो rodents है वो भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाते हैं crops को और उसके कारण भी बहुत बड़े losses होते हैं. तो damage by rodents can be a serious problem, particularly at the farmer and trader level of storage.
डायरेक्ट डैमेज टू ग्रेन थ्रू द फीडिंग एक्टिविटी ऑफ रैट्स एंड माइस इज इम्पोर्टेंट, बट ए मच लार्जर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इज कंटामिनेटेड विद देयर फीसेज एंड यूरिन. डैमेज ऑफ कंटेनर दैट इज जूट बैग्स इज ऑल्सो ए सीरियस प्रॉब्लम. द स्पीसीज ऑफ rodents found in food storage are generally the Norway rat, the sheep rat, the house mouses. Occasionally stores in farms may be attacked by field rats of various species according to region in which the store is situated, but the field rats are not well adapted to living in buildings and rarely causes serious damage. There are two approaches to prevent rodent damage: either regular disinfestation in and around the store, or through rodent proofing of the store to prevent the entry of these pests. Taking the long term view, proofing is of course the most satisfactory approach, but proofing is not always practicable. And regular poisoning may be necessary to keep rodents in check. Chronic or acute poisons, that is zinc phosphide, can be used in stores with care to prevent contaminations of foodstuffs. Or poisoned water may be useful where the normal cereal bats fail to attack rodents. Fumigants used for killing insects will also kill rodents. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि stored grain pest कौन कौन से हैं, किस प्रकार से grains को नुकसान पहुंचाते हैं, किस किस स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं, और हम किस तरह से उनसे बचाव कर सकते हैं. थैंक यू.